कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबिर सुल्तानी। जी मेरा नाम है बाबर सुल्तानी। और मेरा नाम है सादिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हाजिर एक नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। वीडियो है जी बेटर देन यूरोप रोड टू तवांग नॉर्थ ईस्ट राइड एपिसोड 14 है जी। चलिए मिलके देखते हैं, बहुत ही जबरदस्त वीडियो होती है भाई की, मिलके करते हैं एंजॉय और फिर उस पर करते हैं अपना रिएक्ट। हमारे रिव्यूज को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना तो मत भूलिए। चलिए जी फिर शुरू करते हैं। जो भी मन में बोल दूं, बोले मैंने झूठ, बहुत सारे लोगों को मन करता है, सारा चिट्ठा मैं खोल दूं। ओके खोल लो। क्या ये देख रहे हो, ये बैग और ये सारी केबल्स, ये इसके अंदर जाएंगी। एक्चुअली ये वाला जो बैग है मेरा, ये सिर्फ मैंने अपना जितने भी चार्जिंग का सामान है यानी कि जितने भी गैजेट्स हैं उनको चार्जिंग करने के लिए जो केबल्स वगैरह चाहिए होती है सारी के लिए बैग बनाया हुआ है। और ये कितनी सारी चार्जिंग पूरा बैग ही बढ़ जाता है, करीबन 2.5 किलो का बैग होता है। सारे चार्जर ये रहा देखो, अपने मैक का चार्जर, तो ये है बस ऐसे ही पटक देते हैं इसके अंदर हम। हो गया, ये भी हो गया और ये आज का दिन करते हैं शुरू। और हम थे एनसी होटल और रूम कुछ ऐसा है, हालांकि थोड़ा सा छोटा रूम है लेकिन सिंगल बंदे के लिए काफी था। और टोटल मुझे देने पड़े, मतलब डिनर के भी उसमें इंक्लूड थे, 1200 रुपए। तो फटाफट निकलते हैं और आज का जो सफर होने वाला दोस्तों वो होगा अरुणाचल प्रदेश तवांग का। जी हाँ, तवांग निकल रहा हूँ और ऐसा कुछ रिसेप्शन है यहाँ का। एक मिनट यार, एक बार में चेक कर ले तो दोबारा कुछ रह तो नहीं गया। ऐसे तो अपन ने चेक कर लिया है, अपना चश्मा टूट गया यार। ये देखो अपना चश्मा टूट गया बैग के अंदर, वाट लग गई। चलो ओके, टन डना टन। तो निकल चुका हूँ मैं आज के सफर के लिए और मजा आने वाला है दोस्तों। अभी जा रहे हैं अभिषेक भाई के पास। हेलो जी, आ गए हम अभिषेक भाई की शॉप पर। तो ये है भाई की शॉप, के मेडिकल स्टोर्स। कल काफी देर बैठा रहा मैं यहाँ पर भालुकपोंग, ये लग गया मैप और यहाँ से दिखा रहा है 1 घंटा 11 मिनट 60 किलोमीटर है। हाँ सब चालू। पासिस का यार साइड डाउन था, मेंटेनेंस में था तो बना नहीं अपना पास। तो अब मैं डायरेक्ट भालुकपोंग जा रहा हूँ, वहाँ से 200 रुपये लगेगा शायद मेरे ख्याल से एक्स्ट्रा, तो वहाँ पे बन जाएगा है ना। चलो ठीक 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 ठीक, मैं निकलता हूँ। अच्छा आंटी, अच्छा लगा मिलके 4 साल बाद, फिर भी लेंगे। चलो दिल्ली आना तो बताना मुझे, ठीक है पक्का ना। चल भाई लद्दाख मानना है, चलो डन नला डन, लद्दाख करेंगे। बाय बाय बाय। तो एक अपना छोटा सा घर ये भी है, समझ लो छोटा भाई है अपना अभिषेक। तो यहीं पर तेजपुर में रहता है, पिछली बार ऑल इंडिया राइड पर आया था तब मिला था मुझे। और आंटी तो भाई बहुत अच्छी है, इतना खातिरदारी करती है ना भाई, सब पूछो मत। तेजपुर से आज का जो टारगेट है दोस्तों वो है दिरांग का, जो कि यहाँ से 199 किलोमीटर है भालुकपोंग वाले रास्ते से। परमिट अपना बनानी है, सीधा भालुकपोंग जाके ही परमिट बनवाना पड़ेगा। अरे डगी तू क्या कर रहा है? और टाइम हो चुका है 8:10। अरे यार इतनी ज्यादा थार क्यों दिख रही है मुझे? जहाँ देखो वहीं पे थार नजर आ जाती है।
देखो आगे दो थार चल रही हैं, दोनों एक ही गलत की अरुणाचल प्रदेश नंबर की। स्वागत नहीं करोगे भाई? भाई 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 क्या उड़ता हुआ आया एकदम से सामने से, मुझे लगा मुझसे टकरा जाएगा, खतरनाक था यार। अरे भैया बच्चे की जान लोगे क्या? हाँ डरा दिया तुमने तो यार। टिंगा वैली 115 भालू कुंभ 36 सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, क्या बात है क्या बात है यार क्या बात है। और जगह देखो कितनी खूबसूरत है, रोड बिल्कुल खाली है, एक मिनट उतर के दिखाता हूँ मैं आपको। मज़ा आ गया यार इस रोड पे चलाने में, देखो रोड कितना शानदार लग रहा है। और इधर के जो जंगल है थोड़े से जला दिए, ऐसा ना करो भैया, देखो कितना ख़त्म सा कर दिया, ऑलमोस्ट सारे पेड़ जल गए इधर के। इधर के हालांकि फिर भी ठीक है, लेकिन नज़ारा एक नंबर है, एक नंबर है। तो यहाँ पर मैं एक आध फोटोग्राफ लेता हूँ, यहाँ से यहाँ से यहाँ से बाइक के सामने क्यों बस 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 बस। अरे थैंक यू, हाँ बढ़िया है, हाँ थैंक यू। मैं अभी अरुणाचल, हाँ तो ऐसे फोटो खिंचवानी पड़ती है भाई लोगों से जब आप सोलो चलते हो। गेट आने वाला शायद भालुकपोंग का, यहाँ पे बनेगा शायद परमिट, भालुकपोंग चेक पोस्ट TCP मे बी यहीं पे बनेगा शायद, हाँ यहीं कहीं बनाना पड़ेगा। भाई परमिट बन जाएगा, कितने का बनेगा? तवांग बुमला पास तवांग, हाँ मैं अकेला हूँ, 200 पर पर्सन। अच्छा कितनी देर में बन जाएगा? 15-20 मिनट तो यहाँ पर बन जाएगा परमिट, 200 रुपये बता रहे हैं कि लगेगा और बना देंगे। बस एक व्हाट्सएप करना अपना कोविड का सर्टिफिकेट कि आपको दोनों डोजेज लगी हैं या नहीं लगी हैं, उसके अलावा डीएल चल जाएगा और बस हो गया काम फिर तो। सो गाइस मैं पहुंच चुका हूँ भालुकपोंग, और भालुकपोंग में हमारा परमिट बन चुका है, और ये लगे हैं हमारे 200 रुपये लगे ना, तो 200 रुपये लगे हैं परमिट बनवाने में। एक्चुअली आप ऑनलाइन भी सबमिट कर सकते हैं, पा सकते हैं परमिट, लेकिन अगर आपको जाना है मतलब सीधा जाना है और एट ए टाइम परमिट चाहिए तो यहाँ से आप बनवा सकते हैं। ये भाई है राज में, राज, और इनका यहाँ पर जेरोक्स वगैरह का काम है, तो इजीली परमिट यहाँ पर अवेलेबल हो जाता है। बाकी यहाँ से कितना किलोमीटर है दिरांग और तवांग? तवांग का आपका 325 हो रहा है। अच्छा 325 है, और अरुणाचल का जो बॉर्डर है वो यहीं से स्टार्ट हो जाता है? ये अरुणाचल। अच्छा ये पीछे जो गेट है कहाँ पे दिखाना है परमिट? उधर चलो भाई निकला जाए, इधर अपना परमिट चेक हुआ इस पोस्ट पर। अब हवा लगी है भाई थोड़ी सी गर्मी के मारे, हालत हुई होगी जी, दिरांग के बाद भरवा लूँगा ना। 433 तो 80 किलोमीटर आ गया है पेट्रोल पंप। मौसम ने ले ली है करवट और अपना हो गया है पोपट क्योंकि भाई साहब अब रेनकोट वगैरह पहनना पड़ेगा और निकल सकते हैं क्या? शायद हम तो निकल जाएंगे। निकल गए ठीक है। बारिश होने के बाद कलर्स कितने अच्छे लगते हैं, सब कुछ धुला धुला सा महसूस होता है, कलरफुल लगता है, देख रहे हो कैसे चमक रहा है रोड बिल्कुल। देखो तो रोड वहाँ खराब आ गया, रोड वहाँ चल बेटा, टायर टायर तो टायर है, चढ़ गया टायर। तो यहाँ पर मिले हैं हमें कुछ हमारे ये दोस्त लोग जो कि आसाम से हैं, ये देखिए बिग फैन, थैंक यू भाई। आपका वीडियो देख कमाए थे इधर? अच्छा कौन सा वीडियो देखा था? वो वाला वीडियो देख के आए और यहाँ पर मिले, बस मैं एक फोटोग्राफी वगैरह कुछ कर रहा था तो इन्होंने रोक लिया, थोड़ा सा अपडेट दूंगा। भाई मजा आने वाला, सीरियसली स्नोफॉल बता रहे हैं कि मिलेगा पक्का, तो खतरनाक एडवेंचर होने वाला है, तो चलो अच्छा लगा भाई लोग, फिर दोबारा मिलेंगे ऑन रोड। तो पीछे देखो वाटरफॉल कितना सुंदर लग रहा है,
ये देखो चाइना की तरफ तोपे जा रही है अपने देश की, पूरी ढक रखी है, पता नहीं कौन सी तोप है। वैसे तो दिखाना नहीं चाहिए लेकिन ढकी हुई है। और ये वीडियो वैसे भी थोड़ा सा लेट आएगा तो पता नहीं चलेगा कि कब का सीन है, क्योंकि काफी कमेंट आने वाले हैं मुझे पता है। ओए होए ये कौन सी जगह आ गई, नेचीपुर डिस्ट्रिक्ट वेस्ट कामेंग। देख रहे हो मंदिर बिल्कुल चोटी पे बना हुआ है और बिल्कुल खड़ी पहाड़ी पे बनाया हुआ है। देखते हैं वहाँ पर चल के, नीचे एक ढाबा भी है शायद, तो वहाँ से अगर ड्रोन शॉट ले पाए। और साइडों में नदी भी जा रही है तो नज़ारा तो खूबसूरत आएगा। वो देखो लवली प्लेस, ब्यूटिफुल डुलडुल थारपा लिंग। सो गाइस ये जो मोनेस्ट्री बन रही है इसका नाम है दुलदुल थारपा लिंग और ये है जमीनी पॉइंट वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश इंडिया में। तो ऐसा कुछ इसका स्वरूप होगा जब ये बनके तैयार हो जाएगी। बिल्कुल टॉप पे बना रहे हैं उन्हें। क्या बवाल ही रास्ता यार, बीच बीच में ऐसे ऐसे पैचेस हैं जहाँ पर कि पीआरओ काम कर रही है, रोड को ठीक कर रही है। और ये पूरा पूरा मुझे देखो लैंडस्लाइड जोन लग रहा है, कैसे पत्थर अटके हुए ऊपर की तरफ। एक मिनट फटाफट निकल जाए यहाँ से, ज़्यादा बेटर है। ये देखो देख रहे हो पत्थर कैसे नुकीले नुकीले पत्थर है। पूरा आर्मी कैंप एरिया है ये, आर्मी 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 आर्मी। तो यहाँ पर तो भैया ड्रोन भूल जाओ, उड़ा नहीं सकते बिल्कुल भी। उड़ा भी दिया ना तो ठाए ठाए हो जाएगी, ठाए ठाए। टेंगा आ गया लग रहा मुझे, टेंगा है क्या है, टेंगा जी हाँ टेंगा पहुँच गए। टेंगा 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 में कुछ खाएंगे यार। वेल गाइस मैं पहुंचा हूँ टेंगा, जगह का नाम है और यहाँ पर काफी अच्छी मार्केट है। टेंगा टेंगा है क्या, टेंगा है ओके, टेंगा मार्केट है। यहाँ पर मैंने एक समोसा खाया और एक पावर कोई सॉफ्ट ड्रिंक था वो पिया, ठीक ठाक टेस्ट ठीक ठाक सा था, एनर्जी ड्रिंक बता रहे थे। तो यहाँ पर एक भाई है जो कि रैप सॉन्ग गाने वाले हैं। स्टोरी बताओ पहले छोटी सी कोई। सर वो सर टायर्ड लाइफ को बता रहा सर, टायर्ड जो थका रहा है सर। कुछ तो सोच के हूँ परेशान मैं, एक अलग सा नशा है ये सामने। बोलूं तो जरा क्या हो तुम एक नूर जो लेके चले मुझे कहीं दूर, ये हवाओं में ये हवाओं से बात करना चाहूँ मैं। या लगता है चल रहा हूँ मैं सीधे लेकिन है ये दुनिया तो गोल, करते सारे बातें मुझसे प्यार से फिर भी हर बात में क्यों लगता है जोर। हाथ में प्लेट चाय चटनी और चार पूरी, हंसते हम रोज पर रोना भी है जरूरी। मन करता है सोता रहूं सारा दिन पर पैसा कमाना भी है यहाँ पे मजबूरी। वैसे पीता हूँ मैं दोस्तों के साथ, मस्ती में झूमते हम सारी रात पर, रात खत्म कर दी मैंने अकेले की बात। मन करता है जी भर के रो दूं, मन करता है जो भी मन में है बोल दूं, बोले मैंने झूठ बहुत सारे लोगों को। मन करता है सारा चिट्ठा मैं खोल दूं, खुद की ही बात से मैं हूँ खफा, सोच रहा हूँ क्या दूँ सजा, मुझे मेरे अपनों से तू मिला दे, मुझे थोड़ा सा और पिला दे, खुशियों को ढूंढ मैं हूँ जला, कुछ तो सोच के हूँ परेशान मैं। क्या बात, एक अलग सा नशा है ये सामने। बोलो तो जरा क्या हो तुम इग्नोर। ये क्या बात भाई, लंबा हो गया थोड़ा सा लेकिन सुपर। तो भाई भाई का भी एक चैनल है, क्या नाम है? सुमित तमांग है सर। सुमित तमांग, हाँ जी सर। ये देखो अब जो लैंडस्केप है वो ब्राउन होती जा रही है पूरी की पूरी, जो ग्रीन है वो खत्म होता जा रहा है क्योंकि हम हाइट पे चढ़ रहे हैं और ऊपर ज्यादा ठंड होती है, तो ठंड की वजह से जो वेजिटेशन है वो होता नहीं है ज्यादा।
और जब बर्फ होती है यहाँ पर ज्यादा तो भाई साहब सारे के सारे पत्ते पेड़ पौधे ऑलमोस्ट खत्म ही हो जाते हैं। और यहाँ पर एक कैफे सा नजर आ रहा है, अच्छी जगह लग रही है यार, ये तो बिल्कुल स्वर्ग सा लग रहा है। ओह माय गॉड, दिस इज सो ब्यूटीफुल। हेलो, बाय बाय। छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं, बाय। अगर आप पूछोगे ना कि इस टाइम जन्नत कहाँ है, तो भाई मेरे आंखों के सामने है वो, देखो। ओए होए होए होए, लग रहा है कि ये एक व्यू पॉइंट है यहाँ से। मन नहीं लगा, पूछता हूँ इनसे। हेलो, यहाँ के बॉम्डिला, बॉम्डिला कितना दूर है? ओ जबरदस्त लग रहा है यहाँ से तो देखने में। वो क्या बात है, नीचे क्या सीन है यार, कमाल। ये बाईपास है, वहां से गोल गोल घूमते हुए ऊपर आए हैं, जबरदस्त। अरुणाचल प्रदेश के इस टाइम तो भाई साहब जन्नत से बिल्कुल भी कम नहीं लग रहा है मुझे। यूरोप वगैरह सब कुछ फेल है भाई, सब कुछ फेल है। हालांकि मैंने यूरोप कभी देखा नहीं है, मैं कभी गया नहीं। एक्चुअली बहुत ज़्यादा कॉस्टली है यार, लेकिन प्लान बना रहा हूँ कुछ ना कुछ एक डिफरेंट बहुत बड़ी राइड करने का। मतलब बवाल वाली राइड होगी, प्लानिंग तो बहुत तगड़ी है, लेकिन ये नहीं पता कि ये जो सपना है कब पूरा होगा कब नहीं। आगे देखो कुछ नहीं नजर आ रहा है, फॉग ही फॉग है आगे तो भाई, फॉग ही फॉग है। लुक एट द व्यू, मुझे तो लग रहा था कि एक घंटे के अंदर पहुंच जाऊंगा, लेकिन मौसम ने तो भैया और भी ज्यादा मतलब कि काट दिया हमारा। ये देखो यहाँ पर सभी घरों के आगे छोटे छोटे गमले लगे हुए हैं, अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय। लेकिन अच्छा लग रहा है देख कर कि लोगों ने सुंदर सजा रखा अपने घरों को, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो। देखो कितने सारे गमले लगे हुए हैं सभी घरों के आगे। और ये जगह थी शायद सालारी, और आज के दिन में सिर्फ 18 किलोमीटर का सफ़र रह गया, तो अब मुझे जल्दी नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि मैं पहुंच जाऊंगा इजीली। 18 से 17 ही हो गया अब तो यहाँ पर आ सकता है एक बहुत ही गजब का फोटोग्राफ। ऊपर देखो सरसों के खेत, इधर देखो बादलों के खेत, बादल ही बादल है। लवली लवली मौसम, लवली मौसम। देखो भैया कितनी बार रुकता हूँ मैं, इसीलिए मैंने तिंजिन भाई को बोला भैया मैं 5 बजे से पहले नहीं पहुँचता चाहे कितने किलोमीटर हो, क्योंकि शाम के जो नज़ारे होते हैं ना मुझे कैप्चर करना अच्छा लगता है। जल्दी पहुँच के भी क्या फ़ायदा है, हाँ डिस्टेंस ज़्यादा है तो भैया भगाए जाओ। ये देखो भैया क्या फोटो आ रहा बॉस, कटाक यही कही है शायद, ये है शायद 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 पहुँच गए। हेलो, क्या हाल चाल, सब बढ़िया? ओके, तो तुम्हारा नंबर दिया था मुझे अमित ने, है ना? बढ़िया यार, यहाँ से कितना है? यहाँ से 8 किलोमीटर। नहीं नहीं, मंडेला टॉप कितना है? मंडेला 28। अरे क्या बात है, थैंक यू थैंक यू। मैं तो रुकते रुकते आया हूँ बिल्कुल, मैंने बोला था ना मैं 5 बजे पहुंचूंगा। तुम बोले मैं 3 बजे पहुंच जाता आराम से, 2 बजे भी पहुंच जाता, लेकिन मैंने ड्रोन उड़ाया, बहुत सारी जगह में रुका तो उस वजह से टाइम लग गया मेरा।
तो ये हैं जी भाई हमारे तिंजिन, और ये है यहाँ पर कल्देन होमस्टे। ओके, आज हमारा आशियाना यही है, तो थोड़ा सा नीचे जाना है, सामान जा चुका है, अपने को नीचे जाना है। अरे वाह, दिस इज सो गुड मैन, लवली लवली, इंप्रेसिव नजारा। अच्छा है, अच्छा लगा। क्या बात है जी, बहुत ही जबरदस्त और कमाल का वीडियो देखने को मिला आज मोटो एडवेंचर जीपी, और इनका व्लॉगिंग चैनल है, बहुत ही कमाल की जबरदस्त वीडियो। हमने इनकी पहली वीडियो देखी थी जो होली वाली थी, और उसमें कमाल का जो हमें सबसे जो मजेदार वीडियो मिला था वो इनका ही था, और बहुत मजा आया था। वो एक डीजे पार्टी थी और वहाँ पे क्या ही जबरदस्त हल्ला गुला हो रहा था। लेकिन ये ट्रैवलिंग वीडियोस बहुत ज़्यादा बनाते हैं। मैं कश्मीर का भी इनका एक वीडियो देखा था जिसमें स्नो ही स्नो दिखाई थी ट्रेन की, वो भी बहुत ज़बरदस्त वीडियो था, और ये तो अलग ही नज़ारा था। और बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आप इस साइड के वीडियोस नहीं बना रहे, तो वो जो बहुत सारे लोग कह रहे थे उनके लिए हाजिर है जी इस साइड का वीडियो। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त था, हमें भी बहुत ज़बरदस्त लगा, मजा आया वीडियो को देख के। सोच रहा था वीडियो देखते हुए कि यार ये जा रहे हैं भाई, इतना एंजॉय कर रहे हैं, आप सोचते भी हो वो जो उधर रहते हैं वो यार कितना एंजॉय कर रहे होंगे वो, या वो उनकी के भाई वो जिसके पास जो होता है ना वो वहां से नहीं, उसको दूसरी डिस्टेंस जो है वो जगह है वो अच्छी लगती है। जैसे हम मैदानी इलाकों में रहते हैं, हम समझते हैं कि जो वहाँ पहाड़ों में रहते हैं उनकी लाइफ मजेदार है, सुंदर है, सुशी, लेकिन आप पहाड़ों में जाते हैं एक हफ्ता गुजारिए, एक हफ्ते के बाद आप बोर होना शुरू हो जाते हैं, फिर आपको जो शहरों की रंगीनी है वापस खींचती है, क्योंकि आपके पास खेलने के लिए मैदान इसी तरह ही है। और वो जो लोग हैं वो इसी तरह सेम सोचते हैं हमारे बारे में, तो जिसके बाद जो होता है वो कहता है ये वाला नहीं, उससे ज्यादा मुझको मिल जाए, लेकिन जो मिल जाए अगर उस पर ही खुश हो जाए तो इससे बड़ी और कोई बात नहीं है, और लाइफ अचीवमेंट इससे बड़ी कोई नहीं है। तो जो आपको मिल चुका है आप उस पर अगर खुश हैं, मुतमिन हैं, और ज़िंदगी आपकी इससे मज़ेदार और कोई नहीं हो सकती। तो मज़ेदार भी एक व्लॉग देखा हमने और मज़ा आया जी, रोड्स बहुत ही खूबसूरत है, सड़कें हर तक जगह तक इंडियन गवर्नमेंट ने पहुँचा रखी है, ये सबसे बड़ी बात है। और क्योंकि आपको जाने में अगर प्रॉब्लम नहीं है तो फिर जगह तो वैसे ही खूबसूरत है। तो मजा आया कमाल का व्लॉग बनाया इस वीडियो को देख के, बहुत जबरदस्त तरीके से वीडियो थी यार, जगह जगह पे जहाँ पे व्यू आया वहाँ ऐसे ऐसे सीन लिए सुंदर, और जो रैप लड़के ने गाया वो भी अच्छा था यार, वो शानदार था, शानदार था। और हमारे जो व्यूवर्स हैं वो भी जाइए और उनका भी चैनल विजिट कीजिए, देखिए कि अब तक उसने और ज्यादा क्या कमाल कर दिया है। तो ऐसे ही थोड़ी थोड़ी स्पोर्ट से लोगों को मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और फिर वो जिंदगी के मैदान में आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से हमारा भी हौसला बढ़ाइए, हमारा भी हौसला बढ़ाते रहा करिए थोड़ा थोड़ा करके, तो आपका जितना भी आप हौसला बढ़ा रहे हैं ये भी हमारे लिए बहुत है। और इतना ये जो हम तो बहुत प्यार दिल से बहुत प्यार देते हैं आपके, शुक्र गुजार हैं कि आप हमारे चैनल पे आते हैं, आप हमारा चैनल विजिट करते हैं, हमारे वीडियोस को देखते हैं, हम इससे ही खुश हो जाते हैं कि यार हमारा चैनल को कोई देखता है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आई होप सो ये वीडियो भी आपको सॉरी अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो हमारा रिएक्शन भी अच्छा लगे, तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इसी तरह हम और ज़्यादा बेहतरीन वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। चलिए जी मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।